24 मार्च 2020, नासिक, महाराष्ट्र। एक तरफ टीवी पर इंडिया का पहला ऑफिशियल लॉकडाउन अनाउंस किया जा रहा था और दूसरी तरफ मैं, मेरे भाई और मेरे चाचा मेरे पापा को नासिक से घर की तरफ ले आ रहे थे। मेरे पापा एक टूर पर निकले थे जिसका ख्वाब उन्होंने कई सालों से देखा था और फाइनली अपने रिटायरमेंट के बाद में एक टूर कंपनी के साथ वो मार्च 2020 में निकले थे नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें आधे रास्ते लौटना पड़ा और ये यात्रा उनकी अधूरी रह गई। नर्मदा परिक्रमा, जो लोग नहीं जानते कि क्या होता है, तो बेसिकली देश की 5th सबसे लंबी नदी का एक चक्कर इसमें लगाना होता है और हजारों सालों से कई सारे लोग ये चीज करते आ रहे हैं और इसे काफी होली माना जाता है। मेरे फादर की भी ये परिक्रमा करने की इच्छा थी लेकिन लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाने के कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन कुछ भी करके इसे वो पूरा करना चाहते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान टूर ऑपरेटर्स के द्वारा अच्छा एक्सपीरियंस न मिलने के कारण अगली बार उन्होंने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन पापा की एज और जो रूट इस टूर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है उसे देखते हुए, स्पेशली आज के टाइम में, मुझे वो सही नहीं लगा और इसलिए लेट 2020 में हमने प्लानिंग शुरू कर दी पापा के इस अधूरे पिलग्रिमेज को पूरा करने के लिए और ये आज तक की मेरी सबसे लंबे रोड ट्रिप बन गई। 4,000 किलोमीटर, 12 दिन, 4 स्टेट्स, 2 लोग और 1 गाड़ी। और मेरे इस YouTube चैनल पे 200 दिनों से ज्यादा कंटिन्यूस वीडियोस जो मैं अपलोड करता आ रहा था, वो मुझे किसी और के भरोसे छोड़कर निकलना पड़ा मेरे पापा के साथ में और उनकी ये विश पूरी करने की ये कहानी है। मैंने सोचा था कि मस्त बढ़िया व्लॉग्स करेंगे इस जर्नी के दौरान, लेकिन नर्वसनेस, टूर मैनेजमेंट, टायर्डनेस और इनसिक्योरिटी के चलते कुछ खास वीडियोस में नहीं बना पाया और इसलिए ये सीरीज कंपैरेटिवली छोटी हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल व्लॉगिंग यहाँ पे नजर आएगी, इनफैक्ट आप इसे व्लॉग कहना भी सही नहीं समझोगे, तो प्लीज इसे उस नजर से देखिए और फीडबैक का हमेशा स्वागत रहेगा। दोस्तों आज है 13th of February, इंद्र न्यूज के 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, मिक्स रिस्पांस मिला है, एक वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, एक वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी टीम बहुत मेहनत कर रही है, उम्मीद करते हैं आप तक ज्यादा बेहतर न्यूज वो आने वाले फ्यूचर में लाएंगे। और अभी मेरी ट्रिप पे जाने के पहले मैंने 2 दिन पहले ही गैप लिया था ताकि मैं सब कुछ सेटल करके बाद में तैयारियां करके निकल पाऊँ, तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, छोटे मोटे काम बचे हैं, पेट्रोल पूरा फुल कराना है गाड़ी में, उसके बाद में गाड़ी वॉश भी करानी है, इन कामों के लिए मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ। और कल मॉर्निंग में बहुत जल्दी अराउंड 4:35 AM को ही हम लोग घर से निकल जाएंगे और उसके बाद में अराउंड 3,000 किलोमीटर रोड पे ही ये पूरी ट्रिप होगी मेरे पापा के लिए। अभी तो आपने देख लिया होगा कि एक्चुअल में ये ट्रिप है क्या और फिर देखते हैं अभी कल सुबह। सो अभी मॉर्निंग में टाइम हुआ है 4:30 और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, गाड़ी में सब सामान वगैरह रख दिया है और यहाँ पे मेरे भाई मुझे अभी छोड़ने के लिए आए हैं और अभी हम लोग निकलेंगे डायरेक्टली, पहला स्टॉप होगा शेरपुर विच इज़ अराउंड 350 किलोमीटर फ्रॉम हियर और उसके बाद में फिर आगे का प्लान आपको मैं बताते जाऊँगा। तो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 AM, अभी हमने एक जस्ट टोल प्लाजा क्रॉस किया है, ये घोटी विच इज़ इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। अभी ब्रेकफास्ट कहीं पर अच्छा मिल नहीं रहा है, अभी बहुत सुबह ज़्यादा दुकानें खुली भी नहीं है, तो हम लोग मोस्टली ब्रेकफास्ट के लिए और 1-1.5 घंटे बाद रुकेंगे जब तक मोस्टली दुकानें खुल जाएंगी और बाद में वहाँ पर हमको मिलेंगे। अभी देखते फिलहाल एक टाइम लैप्स और कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग रुके इस होटल पे, यहाँ पे सोच रहे थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेंगे, बाद में इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ देखते क्या है यहाँ पर, ब्रेकफास्ट में बताता हूँ मैं आपको। तो आ गया अभी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हम खाए आलू पराठा, साथ में थोड़ी सी दाल है। अब ये खा तो लिया मैंने पराठा, लेकिन ये रोस्टेड वाला नहीं था, फ्राइड वाला था, इसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, इतना ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेड नहीं था। देखते अभी नींद नहीं आनी चाहिए ड्राइव करते समय। तो अभी यहाँ पर स्लाइट चेंज इन प्लान हो गया है ओवरऑल, हम लोग शेरपुर वैसे पहुंच गए हैं लेकिन शेरपुर पहुंचने के 20-25 किलोमीटर्स पहले जरा हम लोग गाड़ी के बाहर निकले थे चाय पीने के लिए, उस टाइम पे जो नीचे की एक रोटेटिव मैट होती है गाड़ी के वो हिल रही थी, उसका शायद से नट निकल गया है। वैसे निकलने के पहले गाड़ी पूरी सर्विस कराई थी, अभी इसको पूरी सर्विसिंग और जो भी दिक्कतें इसमें थी, प्रॉब्लम्स थी, पार्ट्स वगैरह नए डाल के अभी इसको 500 किलोमीटर भी ये चली नहीं है, लेकिन फिर भी एक और प्रॉब्लम अभी आ गई। तो अभी एज ऑफ नाउ हम लोग ने किया ये है कि एक रूम बुक कर लिया है, वहाँ पर भी डैडी रेस्ट कर रहे हैं और
हम लोग आते समय हम लोग जो मंदिर में हमें जाना था वो हमने देख लिया, लेकिन उनके सारे गेट्स वगैरह बंद थे और अभी ऐसा पता चला कि 5:36 के आसपास वो खुलेंगे, तो अभी बीच में 3-4 घंटे हमारे पास फ्री है, लंच तो हमने वैसे भी कर लिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ गैरेज में, मैं देखता हूँ उसका क्या होता है, क्या वो मैट फिक्स हो जाती है और अगर हो जाएगी तो बेटर, या फिर देखते क्या सोल्यूशन निकलता है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं थोड़ा बाहर घूमने जाने के लिए। वैसे शिरपुर जो था वो हमारा पहला डेस्टिनेशन नहीं है पूरे नर्मदा परिक्रमा के अंदर, लेकिन ओंकारेश्वर जहाँ से एक्चुअल नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है वो मुंबई से बहुत ज़्यादा दूर है, 9 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव हो जाती है। तो मैंने डिसाइड किया शिरपुर में हम एक हॉल्ट लेंगे, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे और बाद में अगले दिन हम ओंकारेश्वर तक कंटिन्यू करेंगे। और डायरेक्टली इतनी लंबी ड्राइविंग मुझे करना सेफ नहीं लग रहा था इसके अंदर, ये हॉल्ट हमने डिसाइड किया। तो अभी शिरपुर में है तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं देखने लायक। यहाँ पर एक BAP स्वामीनारायण का मंदिर है और साथ साथ एक काफ़ी फेमस महादेव मंदिर भी यहाँ पर है, जो भी हम देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कल के दिन जो है ओंकारेश्वर का सफ़र काफ़ी अच्छा जाएगा। और अभी देखते हैं शिरपुर के अंदर क्या है। तो अभी हम लोग आ गए फर्स्ट महादेव मंदिर में। यहाँ पे ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, इस वाले मंदिर में अभी हम जाने वाले हैं। लेकिन रास्ता जो है यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसके लिए हमने गाड़ी नहीं ले जाने का डिसीजन लिया है और गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग आ गए फर्स्ट वाले महादेव मंदिर में। वैसे उस तरफ एक दूसरा बड़ा वाला मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सेकंड बड़ा वाला मंदिर है, लेकिन उस वाले मंदिर में थोड़ी भीड़ थी तो हम लोग ने सोचा कि पहले ये वाला मंदिर हम पहले कवर कर लेते और बाद में हम जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो एक लैंडमार्क मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक पुरानी सी फैक्ट्री नज़र आती है, ये एक शुगर की फैक्ट्री हुआ करती थी। और ये हनुमान जी और यहाँ पे जो है मेन टेंपल और मस्त एक बढ़िया सनसेट है, बट मोस्टली हम टाइम लैप्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी हमें सेकंड वाले टेंपल में भी जाना है। यार मुझे एक चीज़ कमेंट्स में बताना कि जब भी आप कोई टेंपल के अंदर जाते हो, जो मेन सैंक्टम होता है, जो अंदर वाला भाग होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा बहुत कम क्यों लग रहा है। अभी मैं अंदर गया था, मैंने वहाँ पे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि टेम्परेचर बहुत 2-3 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्यों होता है, कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर सिर्फ एक प्लसीबो होता है, किसी को पता होगा प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना। और बाय द वे अभी मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी हमने कहाँ पर खड़ी की है, तो वहाँ पर दिख रही होगी गाड़ी हमने उतनी नीचे खड़ी कर दी है और अभी हम लोग सब ऊपर चढ़ के आ गए। और अभी मैं एक और बार आपको फिर से व्यू बता देता हूँ शुगर फैक्ट्री का, जो अभी काम नहीं करती है। एक ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर बनती थी, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से एक ज़्यादा बेटर क्लियर व्यू आपको मिल जाएगा कि कौन से शुगर फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो शुगर फैक्ट्री है जहाँ पर एक ज़माने शुगर बनती थी, लेकिन अभी डिफंक्ट है। अभी जाना है नीचे और फिर हम जाएंगे सेकेंड टेम्पल जो है BAPS स्वामीनारायण। तो फिर से अभी गाड़ी के पास हम पहुँच गए, सो बाय बाय महादेव मंदिर और बढ़ते अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी हो गए हैं BAPS स्वामीनारायण के अंदर के दर्शन। तो अभी जो लोग नहीं जानते कि ये टेंपल्स क्या होते हैं, क्योंकि आप सबने बहुत ज़्यादा स्वामीनारायण टेंपल्स के बारे में सुना होगा, तो एक्चुअली एक ट्रस्ट है इनके। अभी इंडिया में फिलहाल 800 के आसपास टेंपल्स है और अराउंड 8 स्कूल्स है, 6 के आसपास हॉस्पिटल्स है और ये क्लेम करते हैं कि इनके पास 12 लाख वॉलेंटियर्स है। तो ये जो अभी इस तरीके के टेंपल्स बनाए जाते हैं, नॉर्मली जब भी ये बनते हैं तो इसके आसपास में ये इस तरीके के गार्डन्स या फिर जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये सारी चीज़ें हमेशा यहाँ पर बनाई जाती है। अभी ये एक छोटा वाला स्वामीनारायण टेंपल है, वैसे काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं और इस ट्रस्ट के द्वारा कई सारे फिलंथ्रोफिक काम भी किए जाते हैं। इनके NGOs भी होते हैं, इनके क्लाइमेटिक ट्रस्ट भी है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह इनकी होती है। और आप कह सकते हो इन्हीं के अंदर की ये भी एक चीज़ है, मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा शांति थी और टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी काफ़ी लोग अंदर थे, तो मैंने उस टाइम पे शूट नहीं किया। तो अभी इसके बाद में हम मोस्टली अभी जाएंगे हमारे होटल रूम पर, वहाँ पे लेंगे थोड़ा सा रेस्ट
और फिर कल के दिन की तैयारी करेंगे। कल जाना है ओंकारेश्वर, जो फर्स्ट स्टॉप होगा एक्चुअल नर्मदा परिक्रमा का। ये तो ऐसे एक हॉल था जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देख ली, और कल अभी हम जब ओंकारेश्वर जाएंगे तो वो एक ऐसी जगह है जो एक रिवर आइलैंड है नर्मदा नदी के अंदर, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ पे केबल स्टेट ब्रिज भी है, तो वहाँ पर मैं जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:15। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट चाय वगैरह के लिए रुके हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में हम एंटर कर चुके हैं, घर से निकल के अराउंड 480 किलोमीटर का सफ़र अभी हो चुका है, और अभी नेशनल हाईवे 52 पे यहाँ पर ये पीछे होटल है। अब तक ब्रेकफास्ट बना नहीं है यहाँ पर, वो बना रहे सामने ही बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट्स में बन जाएगा, तो उसके बाद में हम यहाँ से करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी और 200 किलोमीटर्स के बाद में ओंकारेश्वर आएगा, वहाँ पे फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे या फिर देखेंगे डायरेक्टली मंदिर में चले जाएंगे, अब तक डिसाइड नहीं किया है। और अभी इस हाईवे के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एमपी के अंदर एंटर होने के बाद में बहुत बहुत बढ़िया ये हाईवे बनाया है। यहाँ पर होटल्स वगैरह भी जो है काफ़ी नए लग रहे हैं सारे के सारे, ये भी अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो मैं कोई बताना कि ये नेशनल हाईवे 52 अभी अभी बना है या फिर पहले से ही ऐसा है और अच्छे खासा मेंटेनेंस इसका ऊपर हुआ है। तो अभी एज ऑफ तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी बड़ी जगह है ये कंपैरेटिवली अगर देखें बाकी जो होटल्स यहाँ पर है उनसे बहुत बड़ी भी है। पार्किंग वगैरह के भी यहाँ पर बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है, रूम्स वगैरह भी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे मेन बात बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो दोस्तों ओंकारेश्वर ज़्यादातर लोग जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं तब उनका फर्स्ट स्टॉप यहीं पर होता है, हमने भी इसी स्टॉप को चुना है। और यहाँ पे जो नदी का सेंटर इसे माना जाता है, यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में कल से हमारा सफर शुरू होगा। ओंकारेश्वर भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ही एक है, इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे ये जो मेन आइलैंड है यहाँ पर जाने के लिए कई ब्रिजेस बने हुए हैं, लेकिन हमने इसे जिस घाट की तरफ से अप्रोच किया वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर थी, और जो मेन मंदिर के और ब्रिज के पास वाले एरिया है वो काफ़ी पुराने हैं, इसके लिए काफ़ी कंजेस्टेड है। तो गाड़ी हमने इसी घाट के पास में पार्क करने का डिसीजन लिया, और बाद में ब्रिजेस यहाँ से भी काफ़ी दूर है इसलिए हमने डिसाइड किया कि बोट हम हायर करके डायरेक्टली मेन मंदिर तक जाएंगे। वैसे ऑफ सीजन है इसके लिए यहाँ पर कंपैरेटिवली भीड़ बहुत कम है, और यहाँ पर ये जो बोट वाले भैया है इन्होंने भी बहुत रीजनेबली हमें चार्ज किया, क्योंकि अराउंड ये 3.5 से 4 मिनट की जर्नी थी, उस हिसाब से इन्होंने एक पूरी प्राइवेट बोट के लिए बहुत कम पैसे चार्ज किए। और यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं मेन मंदिर की तरफ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो एक छोटी सी वार्निंग मैं देना चाहूँगा, इस मंदिर में बहुत सारे फेक पंडित या एजेंट्स आपको मिलेंगे जो आपको 1 रुपये में प्रसाद की थाली देना चाहेंगे, आपको 200-250 रुपये में VIP दर्शन कराएंगे लाइन कट वगैरह करा के, तो उनके झमेले में नहीं पड़ना है, वो आप लोगों को फंसा देंगे, या फिर जो सामने सामने नज़र आता है वैसा नहीं होगा, तो उस बात के बारे में केयरफुल रहना। हर मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स पे कोई ना कोई छोटे मोटे स्कैम चलते रहते हैं, तो यहाँ पर ये वाले स्कैम चलते रहते हैं। जो ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं उनको आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लेकिन ये जो इस तरीके के एजेंट्स हैं इन्हें आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना। Thank you.
अभी एक मंदिर के दर्शन हो चुके हैं पूरे, अभी हम जा रहे हैं सेकंड मंदिर में जिसका नाम है मांगलेश्वर मंदिर है। अभी बहुत लोगों ने हमसे यहाँ पर ये कहा है कि जब तक दो मंदिर के दर्शन पूरे नहीं होते तब तक एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी वैसे तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी आए ही है तो हम सेकंड मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उसके बीच में एक और यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है जिसका नाम है ब्रह्मेश्वर मंदिर, तो हम इसके भी दर्शन कर रहे हैं। और एज ऑफ तो यहाँ पे से जो व्यू मिल रहा है वो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ये देखो व्यू, किस तरीके का व्यू यहाँ से मिल रहा है। तो हम लोग आए थे वहाँ पर, वहाँ पे घाट है सागर घाट, वहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर बोट से हम यहाँ पे आए। यहाँ पे ओंकारेश्वर का मेन मंदिर है महादेव जी का। इसके बाद में फिर वहाँ से क्रॉस करते हुए वो जो एक ब्रिज दिख रहा होगा आपको वहाँ पर छोटा सा, उस ब्रिज को हम क्रॉस करते हुए यहाँ तक आए हैं। और अभी हमें यहाँ से इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए जाना है उस सामने वाले मंदिर में, और उसके बाद में हमारा एक ज्योतिर्लिंग पूरा हो जाएगा और ओंकारेश्वर में जितना काम हमारा था उतना कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी जिस काम से हम लोग यहाँ पर आए थे वो कंप्लीट हो गया है, दोनों मंदिरों के दर्शन हो चुके हैं, बाद में हमने खाना भी खा लिया, थोड़ा हमने रेस्ट भी कर लिया है। और अभी मेरा प्लान है कि ये जो पूरा कैंपस है जहाँ पर हम रह रहे हैं इसके पीछे साइड में एक कैनाल है, और मैंने कभी लाइफ में कैनाल देखी नहीं है। मैंने यहाँ के ओनर से पूछा तो उन्होंने कहा कि पीछे से एक छोटा कच्चा रास्ता है जिसके जरिए उस कैनाल को अप्रोच किया जा सकता है। तो फिलहाल मेरा प्लान है थोड़ा जाके कैनाल एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में होती कैसी है। प्रोबेबली आप में से ज्यादा लोगों को पता होगी कैसी है, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो वहां पर देखते हैं। फिलहाल जाते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी इस कैनाल के पास में। वैसे मैंने जब मैप्स पर देखा था तभी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ये ब्रॉड होगी और उसके साथ में इतने ज़्यादा फ्लो के साथ में यहाँ पर पानी बह रहा होगा। वैसे अभी आपको वीडियो में शायद से स्टिल वाटर नज़र आता होगा, लेकिन अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें देखे जो अभी फ्लोट हो रही है पानी के अंदर, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ से गुजर रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर दूर ही रहना इससे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। और ये रहा कैनल, और वहाँ पे जो वो रूफ नज़र आ रही है वहीं पे अभी हम फिलहाल रह रहे हैं। वहाँ पे एक टेंपल भी है लेकिन फिलहाल अभी वो बंद है, थोड़ी देर बाद में जाकर देखते हैं कि अब वो ओपन किया गया है। अगर किया गया होगा तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये मैं हूँ, ये हमारा होटल है, और ये यहाँ पे कैनल भी है। वैसे अभी ये सेकेंड डे ही हमारे ट्रिप का, लेकिन अभी ऑलरेडी गाड़ी पर अच्छी खासी धूल जम चुकी है, तो मैं सोच रहा था कि इसे एक बार वॉश कर लूँ। वॉश से मेरा मतलब है लाइक थोड़ा पानी डाल के पोंछ लूँ, ऐसे पूरी तरह से क्लीन करने जितना पानी यहाँ पर शायद मिल नहीं पाएगा, और इतनी गंदगी मुझे करनी भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसे साफ़ कर लूँ। और अभी देखे अगर गाड़ी चली कितनी है अब तक इस ट्रिप के अंदर, तो अभी गाड़ी चल चुकी है 614.5 किलोमीटर हमारे घर से, तो यानी अच्छा खासा डिस्टेंस हमने पूरा कर लिया है। और अगर पूरे ट्रिप के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भी और अराउंड 2600 किलोमीटर के आसपास का हमारा पूरा सफ़र बाकी है, और अब तक सब बहुत बढ़िया है। तो बस इसके बाद में हम खाना खा के सो गए। अभी नेक्स्ट जो दिन था उस दिन मेरी हालत जो खराब हो गई मैं आपको क्या बताऊं। हम लोग ओंकारेश्वर से निकले थे 250 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, लेकिन 550 किलोमीटर से ज्यादा की हमारी ट्रैवलिंग हो गई, और बाद में रात में हमें किसी और के घर में सोना पड़ा, कोई होटल वगैरह हमें नहीं मिल पाया। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती मैंने की, ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगी। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बाय द वे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, और मिलेंगे जल्द ही। बाय।